हाय फ्रेंड्स, वायुयान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जिस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो है 58 mm का थर्मल प्रिंटर। क्या होता है 58 mm का थर्मल प्रिंटर, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट है ये बॉक्स में आया है, और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये डबल बॉक्स होता है, मतलब कि इसके अंदर एक और बॉक्स होगा जिसमें कि प्रोडक्ट रखा होगा, और हम इसी प्रकार से आपको भेजेंगे। अगर आपको ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पे से आप इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर पाएंगे। तो जब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बॉक्स के अंदर बॉक्स था जिसके अंदर कि आपका प्रोडक्ट सिक्योर रहेगा। तो पहले हमें मिलता है सीडी, जिसमें कि आपकी ड्राइवर होती है, जो भी ये जो थर्मल प्रिंटर है उसकी ड्राइवर होगी आपके पास में। अगर आप चाहें तो सीडी ड्राइवर से प्रोडक्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं, ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप हमारे कस्टमर सपोर्ट केयर पर कॉल कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको आपके ऑर्डर के साथ में मिल जाएगी। सीडी ड्राइवर के बाद में जो अगला प्रोडक्ट आपको इसके साथ मिलता है, यानी कि एसेसरीज में, वो होता है यूज़र मैनुअल। आप चाहें यूज़र मैनुअल पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट की वर्किंग कैसी है, या आप चाहें तो डायरेक्ट भी प्रोडक्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं। यूज़र मैनुअल भी आपको इसी के साथ में मिलेगा 58 mm के थर्मल प्रिंटर के साथ में। जो तीसरी चीज़ होती है इसके अंदर, वो होता है आपका मेन प्रोडक्ट, वो है ये। हम इस बॉक्स को साइड कर देते हैं। ये है आपका थर्मल प्रिंटर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल ही हम पैकेजिंग का बहुत ध्यान रखते हैं ताकि आपको प्रॉपर प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएँ हम। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं का 58 mm का है, कॉम्पैक्ट साइज़ है, लाइट वेट है, ताकि आप अपने प्रोडक्ट को रख पाएँ, प्रॉपर उसके प्रिंटआउट्स ले पाएँ। इसके साथ में दोस्तों आपको मिलती है चीज़ें, यानी कि दो केबल और एक पेपर रोल, ठीक है। ये होती है केबल, USB केबल, जो कि आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होती है प्रिंटर के साथ में, यानी कि प्रिंटर और कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए होती है USB केबल। और एक होती है आपके पास में पावर केबल, पावर केबल, इसको डायरेक्ट पावर देने के लिए। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट पावर से यूज़ होगा, पावर से चलेगा ये प्रोडक्ट। और इस बॉक्स को ओपन करने का बहुत ही आसान तरीका है, ये जो बॉक्स होता है इसमें पेपर रोल इंसर्ट होता है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि मिडिल फिंगर और थंब से यहाँ पे इसको प्रेस करना है हल्का सा। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट टेस्ट पेपर रोल आता है। रोल इंसर्ट करने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले नंबर इस रोल को आप ओपन करेंगे। जैसे ही आप रोल को ओपन करेंगे, थोड़ा सा इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद में बस आपको एज इट इज़ पेस्ट कर देना है, यानी कि यहाँ पर रख देना है। अब बस आपको इतना ध्यान रखना है कि दो साइड होती है पेपर रोल में, एक होता है चिकना सरफेस, एक होता है थोड़ा सा रफ सरफेस। तो जो चिकना सरफेस है उसको आपको ये कटर के साइड से लगाना है, यानी कि ये जो कटर है ये कटर पे आपको ऐसा ये आना चाहिए, और इसको आप धीरे से क्लोज कर देंगे। जैसे आप इसको क्लोज करेंगे तो हल्का सा पेपर बाहर निकलना है। अब हम इसको देख लेते हैं ऑन करके ये कैसे वर्क करता है। तो ऑन करने के लिए अभी हम डेस्कटॉप पे नहीं इसको रन कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ पावर करके सेल्फ टेस्ट पेज ले रहे हैं। अगर आपको ये देखना है कि नेक्स्ट इसमें कैसे इंस्टॉल होती है ड्राइवर, या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे अगर आप बैंकिंग पर्पज़ पे इसको यूज़ कर रहे हैं तो उसको कैसे यूज़ करेंगे, तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पहले से ही मिल जाए। तो अब हम इसको कनेक्ट करने वाले हैं पावर से। तो ये पहले मैं इसे ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद में हमें क्या करना है दोस्तों, कि हमें इसको इसके बैक साइड पे लगाना है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे तीन स्लॉट्स हैं। ये वाला जो स्लॉट होता है दोस्तों, ये होता है पावर के लिए। एक स्लॉट आएगा यहाँ पर वाइट कलर का, वो USB के लिए है। और तीसरा जो स्लॉट होता है उसमें कैश ड्रॉअर का पोर्ट होता है। तो जैसे ही आप अपना पावर केबल का जो स्लॉट है उसमें इस केबल को लगा देंगे, लगाने के बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, कि इसको डायरेक्ट पावर से कनेक्ट करना है। अब जैसे ही आप पावर से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक छोटा स्विच है, जिसको कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, ये छोटा सा स्विच है। आपको करना ये है कि जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये ब्लू लाइट जल जाएगी। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी ऑफ कर सकते हो। जैसे ही आप ऑन करोगे तो ये हल्का सा पेपर निकला है बाहर, इसका मतलब कि प्रिंटर हमारा ऑन है। अब टेस्ट पेज हम निकाल के देखेंगे कि इसे टेस्ट पेज कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको टेस्ट पेज कैसे निकालना है। पहले आपको कर देना है इस पावर को बंद, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा बटन होगा जो कि फीड का बटन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वीडियो में। अब आपको क्या करना है, इस फीड के बटन को दबा के रखना है। दबा के रखने के बाद में पावर बटन को करना है आपको ऑन। जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ पर रेड लाइट ब्लिंक कर जाएगी। अब आपको यहाँ से हाथ हटा लेना है। मैं फिर से आपको प्रोसेस करके बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। आप दबाएंगे फीड का बटन,
ये हमने दबा दिया है फीड का बटन। जैसे हमने फीड का बटन दबाया, पावर बटन को आपको करना है ऑन। ऑन करा और ये आपका सेल्फ टेस्ट पेज, जो कि ये बताता है कि आपका प्रिंटर वर्किंग कंडीशन में है, यानी कि ऑन है, और आपका सेल्फ टेस्ट पेज निकल जाएगा। अब आपको करना क्या है, अगर इसको काटना है तो हल्का सा इस पर प्रेशर डालेंगे और ये ऑटोमेटिकली आपका पेपर कट जाएगा। तो सेल्फ टेस्ट पेज है जो कि कुछ इस तरीके से निकलता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपका प्रिंटर वर्किंग कंडीशन में। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस ड्राइवर को, इसकी जो 58 mm थर्मल प्रिंटर की जो ड्राइवर है, उसको हम कैसे डेस्कटॉप पर इंस्टॉल करें, ताकि आप अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं जिसके लिए आपने प्रिंटर परचेस किया है, वो आप कर पाएँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है, आप जाके उसे फॉलो कर लीजिए। अगर आपको इस प्रोडक्ट को परचेस करना है तो विजिट करिए www.yuyarn.com, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप चाहें तो वहाँ से परचेस कर सकते हैं, वहीं पर हमने हमारा नंबर दिया है। अगर आप कोई भी सहायता चाहते हैं तो आप वहाँ पर हमें कॉल करके हम तक पहुँच सकते हैं। आप प्रिंटर परचेस कर लीजिए, अगर कोई भी इशू आता है आपको प्रिंटर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ताकि आपको इसका सपोर्ट मिल पाए। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में हमें बताइए कि क्या आपको भी इस प्रिंटर की ज़रूरत है।